नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है वो 2020 से लेकर के 2023 तक CGPSC और CGVyapam में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी CGPSC और व्यापम को थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। 2016-17-18 में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे हटकर अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी को ध्यान देने के लिए हम लोग यहाँ पर 20, 21, 22, 23 के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। नए नए सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट यहाँ पर किया गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यूनिक भी है, थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, बाकी उधर थोड़ा सा कठिन भी क्वेश्चन है। इसका PDF आप लोग हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा व्हाट्सअप खुल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, PDF सभी को फ्री में निःशुल्क अवेलेबल करा दिया जाता है, इसका जो भी PDF हम लोग YouTube में क्लास लेते हैं उसका। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो यहाँ पर भी आप लोग फॉलो वगैरह कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाएंगे CGPSC मैपोलॉजी लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जा करके जो भी PDF वगैरह हमारा अभी PDF अगर हम लोग बनाते हैं, जो भी क्लासेस वगैरह हम लोग अवेलेबल कराते हैं, सारा का सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चलता है, जैसे कि अभी हॉस्टल वार्डन और CGPSC प्री का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हॉस्टल वार्डन का और ये CGPSC का, इसमें टोटल 10 टेस्ट होंगे, इसमें टोटल 15 टेस्ट होंगे। इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल या फिर जो भी टाइमिंग है टेस्ट का, और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, इसका जो भी डिटेल सेंड कर दीजिए, टेस्ट सीरीज कैसे बोल करके, वहाँ पर हम आपको इसका जो भी डिटेल है आपको फॉरवर्ड वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, लगभग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 200 से 300 के बीच में रहेगा, नॉमिनल चार्जेस से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। सभी टेस्ट हमारे एप्लीकेशन CGPSC मैपोलॉजी में होगा, जो एप्लीकेशन अभी जस्ट आपको मैं बताया, यही एप्लीकेशन में जितने भी टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा। चलिए तो देखते हैं अब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, 4.11%। ठीक है, 4.11%। अगर ये पूछा जाता कि क्षेत्रफल न दे करके आपको जनसंख्या के आधार पर बोलता, ठीक है, अगर यही बोलता जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान, मतलब कितना प्रतिशत है पूरे देश की जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना प्रतिशत पूछा जाता, 2.11% लेते। ठीक है, देश की जनसंख्या का 2.11% हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, ऐसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है, एक मिनट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है, तो ये बहुत बार आप लोग देखे होंगे, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो इसका भी आंसर बहुत आसान है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। शुरू का लगभग 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान है, और उसके बाद थोड़ा सा हमको एडवांस लेवल का क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है, मैन पार्ट को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, कौन सा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहते हैं, अबुझमाड़ को कहते हैं। अबुझमाड़ में आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, 187 सेंटीमीटर की वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा है, अबुझमाड़ की पहाड़ी में। ठीक है, नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी है, और छत्तीसगढ़ में अगर औसत वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जसपुर सामरी पाट में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है वहाँ पर, 172 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, चलो फिलहाल तो उसको भी रहने दीजिए। यहाँ पर देखें, अबुझमाड़ की पहाड़ी में क्या होती है, 187 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसको कहा जाता है। पांचवा देखें, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के राजकीय चिन्ह आप जो देखें होंगे इस प्रकार से, है ना, ऐसे इधर धान की बाली, इस प्रकार से इधर जो छत्तीसगढ़ है उसको इस प्रकार से गढ़ा गया है, यहाँ नदियाँ हैं इस प्रकार से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है, बीच में अशोक स्तंभ वहाँ पर है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इसका रचयिता कौन है। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा है, आप लोग देखे होंगे, मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन चर्चा में था, तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा।
छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिलिस कहा थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिलिस, तो कब मिलिस हावे 28 नवंबर 2007 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य क्या है, ठीक है। माई कोठी योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसका कार्य क्या है, साहित्य का संरक्षण करना, ठीक है, साहित्य का संरक्षण करना माई कोठी योजना का मुख्य कार्य है। नौवां क्वेश्चन देखिए, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, तो किस दिन को मनाया जाता है, अभी जस्ट हम लोग देखें ना 28 नवंबर 2007, अभी यहाँ पर मैं बताया आपको 28 नवंबर 2007 यही चीज़ है। बोरेवासी खाबो कब मनाया गया, ठीक है, ये 2012 का है, सॉरी 2022 का है, अभी 2023 का भी पूछा जाएगा तो आपको 1 मई लेकर के चलना है 2023 के लिए भी, क्योंकि 2022 में भी मनाया गया था 1 मई को, मतलब 1 मई को जो श्रमिक दिवस होता है ना उसी दिन ये बोरेवासी खाबो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बोरेवासी खाबो कब मनाया गया, तो 1 मई 2022 को। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में टपक जाता है, दिनेश नंदन सहाय हम लोग जानते हैं। 12वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोहन शुक्ल छत्तीसगढ़ के क्या है, प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले अलग किए गए थे, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, जिलों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 16, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, ठीक है, कितने थे जिलों की संख्या 16। इसका देखिए, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया, ठीक है, इसका एग्जाम में आंसर लिया गया है कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी, ठीक, इस टाइप से इसका आंसर लिया गया था, बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग। 1905 में सरगुजा के संपदा को खाली स्थान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब कौन सा, मतलब क्या बोल रही है, सरगुजा की संपदा को बंगाल से, ठीक है, ये क्या है, बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया गया, मतलब कि सरगुजा वाला जो क्षेत्र आप लोग देखते हैं ना, चांग बखार जो, मतलब रियासत हम लोग देखते हैं, उदयपुर रियासत, चांग बखार रियासत, सरगुजा रियासत, इस प्रकार से जो हम लोग देखते हैं जसपुर रियासत, तो जितने भी रियासत हम लोग छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग में देखते हैं उसको 1905 में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया था, 1905 में शामिल किया गया था, उससे पहले वो बंगाल प्रांत में शामिल था, कहाँ था वो, बंगाल में शामिल था, लेकिन उस 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, और हमारे छत्तीसगढ़ में संबलपुर जो प्रांत था उसको निकाल करके उधर उड़ीसा साइड में, मतलब कि बंगाल प्रांत में उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है, तो इस टाइप से ही हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बंगाल से हमारे छत्तीसगढ़ में उसको शामिल किया गया था, ठीक है, सरगुजा संभाग वाले जितने भी आप लोग जिले देखते हैं ना वो सब क्षेत्र को। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली बार मांग किस वर्ष की गई, ये पूछा जा रहा है, तो ये की गई थी 1924 को। 17वां देखिए, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा, 26वां क्रम का राज्य है, 27वां और 28वां आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसी वर्ष बनाया गया था 27वां और 28वां, कौन कौन से आप लोग कमेंट करिएगा। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, ठीक है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, ठीक है, ये एक मिनट, अच्छा ये हम लोग अभी देख चुके हैं ना, ठीक है, देखिए इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर खूबचंद बघेल को हमको लेकर चलना है, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल को, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार कौन है, तो उस कंडीशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लेकिन कल्पना किसने की थी पूछा जाएगा, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल को, ये एग्जाम में आंसर लिया गया है, ठीक है, तो इसके आधार पर आपको ये याद रखना है। देखिए 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को
निम्नलिखित द्वारा पारित किया गया, ठीक है, यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये किस जिले का भाग है, तो ये कोरिया का भाग है, कोरिया को ही काट करके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तीन मतलब एक अलग से इस प्रकार से उसको जिला बनाया गया है ना, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी एक ही जिला है ना, ध्यान में रखिए, कोरिया से इस प्रकार से उसको अलग किया गया है। इसका देखें, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया, ठीक है, 28वां जिला बन गया, ठीक है, ये देखो ये 28वां जिला पूछा जा रहा है, तो ये हम लोग देखते हैं कि गौरला पेंड्रा मरवाही, ठीक, गौरला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना था, ये 2000 मतलब कि अभी 2023 की अगर बात करें तो ये सही नहीं रहेगा, मतलब सही रहेगा लेकिन इसके बाद और भी जिले बन चुके हैं, मतलब कि अब अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 33वां जिला कौन सा बन गया, इस टाइप से क्वेश्चन करना चाहिए, है ना, मतलब लेटेस्ट में अगर पूछा जाएगा तो, लेकिन गौरला पेंड्रा मरवाही बना था तो 28वां क्रम का था, हमारे छत्तीसगढ़ क्या था, 28वां क्रम का था गौरला पेंड्रा मरवाही, ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। इसका देखें, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है, पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोरबा एक संभाग नहीं है। चौबीसवां देखिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल थे, ठीक, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, अभी हम लोग जस्ट देखे थे ना, 16 जिले शामिल थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष की गई, ये पूछा जा रहा है, दुर्ग जिले की स्थापना, ध्यान में रखिएगा, दुर्ग संभाग नहीं बोला है ना, संभाग रहेगा तो अलग रहेगा, जिला बोलेगा तो अलग रहेगा, ये 1906 को दुर्ग जिले की स्थापना की गई थी ना, बंगाल विभाजन के बाद 2005 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद एक साल बाद 1906 में यहाँ पर दुर्ग जिले को बनाया गया था। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है, बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है, 1861, ठीक है, छत्तीसगढ़ को हम जानते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में तीन जिले बनाए गए थे 1861 में, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, इस प्रकार से। नवनिर्मित मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, नवनिर्मित मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर राज्य के किस दिशा में स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, आदिवासी, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, छत्तीसगढ़ में कुल विकास खंड की संख्या कितनी है, आदिवासी विकास खंड की संख्या तो इतनी है, कुल विकास खंड में इतनी 85 जो है आदिवासी विकास खंड की संख्या है। तहसील और विकास खंड जो होता है वो मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, फिलहाल तहसील अब तो बढ़ते जा रहे हैं, तो तहसील ऐसा कह नहीं सकते कितना है, 222 से भी ज़्यादा ऐसे हो चुका है वो, लेकिन विकासखंड कितना है छत्तीसगढ़ में उसको आप लोग कमेंट करिए। इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया, ठीक, इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है, इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा, ठीक है, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, ये तीनों क्या है आकांक्षी जिले के अंतर्गत आते हैं, और बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं वो भी आते हैं ना, तो यहाँ पर ये जांजगीर चांपा नहीं है, आकांक्षी जिला। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है, ठीक है, सीमा से लगा हुआ मतलब, अच्छा देखो ये बोल रहा है कि वह, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा से नहीं लगा हुआ है, कौन सा है, बिहार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड ये लगा हुआ है छत्तीसगढ़ की सीमा से। छत्तीसगढ़ के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डी है इसका, उड़ीसा सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसको देखें, वर्ष 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने भू आविष्ठित जिले थे, ये पूछा जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ में जिले कितने थे भू आविष्ठित जिला 2020 में, पूछा जा रहा है ना 2020 में, तो 2020 में कितने थे, 2020 में हम लोग कितना देखें 10 देखते थे, ठीक है 10, और इसके बाद अभी वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं 11 देखते हैं, अगर वर्तमान में पूछा जाएगा ना तो ये रहेगा, ठीक है, वर्तमान में कितने पूछा जाएगा तो 11 है, एक भू आविष्ठित जिला नया बन चुका है, कौन सा है आपका शक्ति, ठीक। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है, देखो इसका ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला है जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती, ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के सरगुजा इसका सही आंसर है, क्योंकि कोरिया आप देखोगे तो बनाती है एमपी के साथ, सूरजपुर देखोगे वो भी बनाती है, बलरामपुर देखोगे तो वो भी बनाती है ना, बलरामपुर तीन राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता कौन सा, सरगुजा। निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर का पठार अधिकांश भाग आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है, तो बस्तर के पठार में अधिकांश भाग में अगर हम बात करें तो आर्कियन सेल समूह, छत्तीसगढ़ का 50% से भी ज़्यादा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इस प्रकार से आप लोग नक्शा जब बनाएंगे ना तो छत्तीसगढ़ का 50% से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आते हैं आगे क्वेश्चन आते जाएगा तो उसको हम लोग देखते हुए जाएंगे, ठीक है, देखो ये हो गया ना, यहाँ इसका आंसर आर्कियन है।
डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग का ग्रेनाइट चट्टाने किस सेल समूह का हिस्सा है? ठीक है, ये भी आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। आर्कियन सेल समूह ये वर्तमान में हमको सीस्ट और नीस ग्रेनाइट इन सब फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह है, ठीक है, सीस्ट के रूप में, नीस के रूप में और आपका ये ग्रेनाइट के रूप में आर्कियन सेल समूह वर्तमान में हमको देखने को मिलता है। सबसे प्राचीनतम चट्टाने हम लोग पढ़ते हैं ना चट्टानों में, सबसे प्राचीनतम चट्टाने इस प्रकार से, तब तक पृथ्वी के ठंडा होने से उसका निर्माण हुआ था, ऐसा टाइप के जो भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बीजापुर जिले, अच्छा वीडियो डाला हुआ है ना यूट्यूब में, एक मेरा वीडियो डाला हुआ है, जाकर चाहें तो उसको देख सकते हैं, विस्तार से मैंने उसको समझाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन चट्टान है, कैसे कैसे उन सब चीज़ों को। अब देखिए बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, किस समूह की चट्टान पाई जाती है बीजापुर जिले में? तो ये पाई जाती है धारवाड़ सेल समूह, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से आप लोग देखेंगे नीचे वाले क्षेत्र में ऐसे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कुछ भाग सुकमा, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से धारवाड़ सेल समूह ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से बैलाडी लगी पहाड़ी है। बैलाडी लगी पहाड़ी में हम लोग जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क, बहुत अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क निकालते हैं, टीन अयस्क निकालते हैं और वहाँ सारा जो धातु खनिज भी इस वाले क्षेत्र से हम लोग निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बीजापुर जिले में कौन सा सेल समूह है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान होगा, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या होता है, सबसे अधिक खनिजों की मात्रा होती है, धात्विक खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा, टीन, सोना, ये सब चीज़ हम किस में देखते हैं, हम लोग धारवाड़ सेल समूह में देखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका देखिए 37वां, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है, बोल रहा है छत्तीसगढ़ के सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? ये भी धारवाड़ है। ठीक है, मैंने बताया अभी सोना खान वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है ऐसे, है ना। और छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो चिल्फी घाटी वाले क्षेत्र है, राव घाट हम लोग इधर कांकेर साइड देखते हैं, आपके बालोद और कांकेर साइड में महामाया वाला क्षेत्र है, बालोद में वहाँ देखते हैं, राव घाट हम लोग कांकेर में देखते हैं, दल्ली राजहरा हम लोग देखते हैं बालोद में, और आप और क्या देखते हैं, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी देखते हैं। तो इन सभी क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, जहाँ पर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, 38वां देखिए, सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? तो ये धारवाड़ सेल समूह का हिस्सा है, मैंने अभी जस्ट बताया धारवाड़ सेल समूह है ना, धारवाड़ सेल समूह कहाँ पर, सोना खान में पाया जाता है। सोना खान संस्तर की चट्टाने किस रूप में पाई जाती है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको समझ में आएगा अगर समझें थोड़ा बहुत, तब कहीं जाकर ये आसान रहेगा, वरना आसान नहीं है। इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इसको समझिए, जो हमको धारवाड़ सेल समूह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, धारवाड़ देखो इस प्रकार से, नीचे में आपका जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो कभी कभी क्या करता है कि उसको अगर जगह मिल जाए इस प्रकार से, ज़मीन में थोड़ा बहुत दरार मिल जाता है तो ऊपर उठते जाते हैं, इस प्रकार से ऊपर उठते हैं, और इधर अगर कहीं दरार मिल गई इस प्रकार से तो इधर खिसक जाएगा, मतलब उसको कहीं अगर तिरछे इस प्रकार से दरार वगैरह मिल गए ज़मीन में तो यहाँ पर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल घुसता जाएगा इस प्रकार से, और जा करके वहाँ पर जम जाएगा, मतलब कि वहाँ पर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइड साइड में देखेंगे तो सिंपल आपको मिट्टी या फिर सिंपल जो चट्टान वगैरह जो भी होता है वो चट्टान, लेकिन ये बीच वाले चट्टान को आप देखें, देखो इधर इधर तो सिंपल आपको मिट्टी जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग से इस प्रकार से क्या दिख रहा है, अलग प्रकार का चट्टान है जो कि उसके अंदर इस प्रकार से दबा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वहाँ पर वहाँ इस प्रकार से लावा निकला है और लावा वहाँ जाकर के जम गया है। तो इसकी प्रकृति अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति अलग ही है ना, ये अलग ही प्रकार के चट्टान हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ को बोला जाए, देखो यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि अगर क्षैतिज रूप से अगर वो कहीं पर गमन करता है, क्षैतिज रूप से अगर जो लावा है वो जम जाता है और चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील कहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ अगर इस प्रकार से वर्टिकली ऊपर इस प्रकार से अगर बढ़ता जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में इस प्रकार से ऊपर बढ़ता है और ऐसे खड़ी खड़ी इस प्रकार से अगर वो हमको देखने को मिलता है चट्टान के रूप में, तो उसको हम डाइक कहते हैं। ठीक है, सिल और डाइक, ये दो प्रकार से होता है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि क्या पूछा जा रहा है, सोना खान संस्तर के चट्टानें किस रूप में पाई जाती हैं, तो ये हमको किस रूप में पाई जाती हैं? डाइक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, डाइक के रूप में पाई जाती हैं, मतलब कि जो इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है सोना खान में, इसी टाइप के चट्टान हमको इसी प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। हर जगह आपको इस प्रकार से चट्टान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पर इस प्रकार से आपको डाइक के रूप में, मतलब इस प्रकार से जो लावा निकलते निकलते जम जाता है ना बीच में, ये हमको बीच बीच में दिखाई देखने को मिलता है, तो वैसे यहाँ पर डाइक के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
कड़प्पा सेल समूह के क्षैतिजी अवसादी सेल पर बना, ठीक है, कड़प्पा सेल समूह के क्षैतिजी अवसादी सेल पर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, महानदी के मैदान पर बना हुआ है। कड़प्पा सेल समूह हमको महानदी वाला जो क्षेत्र है, महानदी घाटी सॉरी महानदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, इसको महानदी मैदान यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलता है, कड़प्पा सेल समूह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। 41 देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है, तो ये कड़प्पा सेल समूह की चट्टानों से निर्मित है। अभी जस्ट मैं बताया आपको महानदी वाला जो क्षेत्र है, महानदी का मैदान बोले या फिर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा वाला क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ का जो समतल मैदान वाला क्षेत्र है वो कड़प्पा क्रम की चट्टान से निर्मित है। इन सब में चूना पत्थर डोलोमाइट अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए आप देखते हैं बलौदा बाजार जांजगीर चांपा और आपका रायपुर वाले क्षेत्र में बहुत सारे चूना पत्थर और डोलोमाइट के खदान हैं और बहुत सारे सीमेंट का कारखाना भी है। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कड़प्पा सेल समूह का विस्तार है, देखो ये छत्तीसगढ़ का जो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझेंगे, महानदी बेसिन बोल रहे हैं मतलब पूरा छत्तीसगढ़ को नहीं बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का मात्र कुछ ऐसा ये हिस्सा है जहाँ पर महानदी का विस्तार और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत कड़प्पा सेल समूह ये पूछा जा रहा है, कड़प्पा या फिर कुड़प्पा सेल समूह है, तो इसमें ध्यान में रखें कि लगभग लगभग 50% इसका आंसर लिया गया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा है ना, ये सिर्फ क्या बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र मतलब कि ये महानदी वाला क्षेत्र है इसकी बात कर रहा है, पूरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ महानदी वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये महानदी बेसिन बोल रहा है, तो ये महानदी बेसिन है, ये वाला महानदी बेसिन, इस महानदी बेसिन में 50% क्या है, कुड़प्पा सेल समूह पाई जाती है और बाकी बचा खुचा जो है ना, बाकी बचा खुचा और जो भी प्रतिशत है उसमें आपका जो दूसरे चट्टान है वो पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं ये पूछा जा रहा है, तो ये निम्न विंध्यन समय के हैं, ठीक है, निम्न विंध्यन समय के हैं, ठीक है, ऊपर विंध्यन और अपर विंध्यन या फिर निम्न विंध्यन, इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोयला, देखो चूना पत्थर जो हम लोग देखते हैं ना विंध्यन क्रम के भी चट्टान में हम लोग देखते हैं, कुड़प्पा क्रम के भी चट्टान में देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं, जो कुड़प्पा क्रम के चट्टान होते हैं ना उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में हम लोग चूना पत्थर डोलोमाइट देखते हैं, इसीलिए मैं बताया ना कि छत्तीसगढ़ का मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट बहुत अधिक मात्रा में निकालते हैं, वहाँ पर चूना पत्थर के माध्यम से आपका सीमेंट कारखाना भी लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टाने हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, पढ़ते हैं बहुत पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह, ये क्वेश्चन ना अभी पूछा गया था और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और 17% क्षेत्र में क्या है, गोंडवाना सेल समूह है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 17% क्षेत्र में क्या है, गोंडवाना सेल समूह हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 46 देखिए, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है, तो ये दक्कन प्रायद्वीपीय भारत जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है ना, वैसी प्रकृति हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्र हैं उसकी प्रकृति है, और ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसी के अंतर्गत शामिल है ना, ध्यान में रखिएगा। 47 देखिए, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है, ठीक है, सीतालेखनी पहाड़ किस जिले में ये पूछा जा रहा है, तो सीतालेखनी पहाड़ कहाँ है, सूरजपुर जिला, कहाँ है, सूरजपुर जिला में है, ठीक है। चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में, छत्तीसगढ़ के जिलों में, खालिस्तान जिलों में स्थित है ये पूछा जा रहा है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर के मतलब ऑप्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो कोरिया, ठीक है, कोरिया में तो है, एमसीबी में है, सरगुजा तक इसका विस्तार लगभग नहीं के बराबर जाता है, एमसीबी कोरिया और कुछ मात्रा में सूरजपुर, इस प्रकार से इन सब में चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है। छुरी की पहाड़ी किस दिशा में, छुरी की पहाड़ी की किस दिशा में महादेव की पहाड़ी है, ठीक है, तो महादेव की पहाड़ी छुरी की पहाड़ी के ऊपर में है, उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है, सरगुजा वाले क्षेत्र में महादेव की पहाड़ी। चलो इस प्रकार से हम देखते हैं 50वां क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है ये पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर लिया गया है जुरैसिक, ठीक है, जुरैसिक युगीन जो चट्टान है वो हमको इस छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेगा, ये लगभग 20 करोड़ से लेकर के लगभग 14 करोड़
करोड़ वर्ष पूर्व ये हम लोग जुरैसिक काल को ये ले देखते हैं, ठीक है। लगभग लगभग इतने समय में हम लोग क्या करते हैं, जुरैसिक युग को हम लोग देखते हैं। और इसी जुरैसिक युगीन जो चट्टाने हैं, ठीक है, कौन से चट्टाने हैं, गोंडवाना चट्टाने हम लोग देखते हैं, है ना, कोयला जिसमें प्राप्त होता है वो हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। जसपुर नगर किस प्रकार के स्थलकृति में बसा हुआ है, ठीक है, पाठ प्रदेश में बसा हुआ है। जसपुर नगर किसमें बसा हुआ है, पाठ प्रदेश में बसा हुआ है, सभी को मालूम होगा। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, ठीक है, कौन सा मुख्य खनिज जसपुर सामरी पाठ में, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ठीक है, सभी को पता होगा, जितने पाठ प्रदेश उसमें बॉक्साइट खनिज ही मिलता है। 53 देखें, मधेश्वर पहाड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इसको बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि नया नया पहाड़ इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है। जसपुर जिले में है मधेश्वर पहाड़। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी अगर पूछा जाएगा ना, तो दो ठो घाटी है, एक तो यहाँ पर लोरो घाटी है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लोरो है, ठीक है, ये लोरो घाटी क्या है, यहाँ पर एक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं केशकाल घाटी, है ना, केशकाल घाटी। तो छत्तीसगढ़ में दो फूलों की घाटी है, कौन कौन सा है, एक तो लोरो घाटी, दूसरा क्या है, केशकाल घाटी। 56 देखिए, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य वाले हिस्से में फैला हुआ है महानदी का मैदान। 56 देखिए, मैकल सनड़ी किस जिले में अवस्थित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कवर्धा जिले में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को क्या कहा जाता है, मध्य मैदान को धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं। सोनबेरा का पठार किस जिले में अवस्थित है पूछा जा रहा है, गरियाबंद में अवस्थित है सोनबेरा का पठार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्या आता है, सोनबेरा का पठार आता है, लेकिन वो गरियाबंद के कुछ हिस्से में फैला हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है, गरियाबंद दिया गया है। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तारित है, बोरे छुरी की पहाड़ी ना, ये कोरबा जिले में है, कहाँ है कोरबा, ये है कोरबा, छुरी कोरबा में एक तहसील है ना, तो छुरी की पहाड़ी कहाँ होगा, कोरबा में होगा। 60 देखिए, चमर ढाल क्या है, चमर ढाल एक पहाड़ी है, कहाँ से कहाँ तक पहाड़ी है, चमर ढाल क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है, इस प्रकार से शक्ति शक्ति देखते हैं, कोरबा देखते हैं, है ना, कुछ हिस्सा आपका जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र से, इधर शक्ति, फिर कोरबा, और इधर फिर रायगढ़, इस प्रकार से फैला हुआ है ऐसे लंबा, है ना, जांजगीर चांपा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जांजगीर चांपा से लेकर पूरा रायगढ़ तक इस प्रकार से किसका विस्तार है, चमर ढाल की पहाड़ी का विस्तार है। इसी में हम सिंघनपुर की गुफा को भी देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखेंगे, इतिहास वाला जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पर भी आएगा। इसी में हम लोग क्या देखेंगे, सिंघनपुर की गुफा देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो वीडियो हमारा पहला पार्ट है, बाकी इसके बाद एक दो तीन चार वीडियो और आते जाएगा, जिसमें जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि रिसेंट में पूछा गया उसको देखेंगे, और उसके बाद कुछ कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन है उसको भी, उसका भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो पुराने जो क्वेश्चन है उन सबको मिला करके प्लेलिस्ट बनेगा, उसको भी देखिएगा। फिलहाल कठिन क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो एक बार हमारा टेस्ट आप लोग दिला करके देखिएगा, तो टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके, प्रॉपर तरीके से CGPSC के पैटर्न को एनालिसिस करके हम लोग बनाते हैं, वो आपको बेहतरीन लगेगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा और थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा, है ना, रियल कॉम्पिटिशन आपको वहीं पता चल पाएगा। देखो, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य है, ये पूछा जा रहा है ना, दंडकारण्य, और प्राचीन कौशल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है, बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बस्तर क्षेत्र, ठीक है, बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के रूप में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, दंडकारण्य किसको बोलते हैं, बस्तर क्षेत्र को ही बोलते हैं। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं है, इसमें से उपरोक्त कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में भी विस्तार है, इसका कुछ भाग उड़ीसा में भी जाता है और कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश तक भी चला जाता है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। 63 देखिए, बस्तर उच्च भूमि जिसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ये बस्तर उच्च भूमि जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है जो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 64 देखिए, अबुझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खाली स्थान क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना, दंडकारण्य इसका आंसर होगा। अबुझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, बस्तर क्षेत्र में स्थित है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में हम लोग देखते हैं ना, बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए, गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो ये जो गोदावरी और सबरी नदी वाला जो मैदानी क्षेत्र है ना, उसका समुद्र सतह से ऊंचाई पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर क्या है, 300 मीटर से कम है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आएगा, रायपुर के बारे में पूछेगा, रायपुर का औसत ऊंचाई, मतलब रायपुर का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इस प्रकार से हमारा पूछा जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। देखिए, छुरी की पहाड़ी है, कोरिया है, कोरिया की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 67 देखें, गोलापल्ली का पहाड़ किस तहसील में आता है। ठीक, गोलापल्ली का पहाड़ आप लोग देखेंगे तो कोंटा तहसील में आता है, छत्तीसगढ़ का कोंटा तहसील, मतलब कि सुकमा जिला का कोंटा तहसील, एक गोलापल्ली। इस प्रकार से बहुत सारा अगर पल्ली वल्ली से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो ध्यान में रखेगा दक्षिण छत्तीसगढ़ को ही लेंगे ना, सुकमा को या फिर बीजापुर को, यहीं पर आपका ये गोलापल्ली, नालापल्ली, नाडापल्ली, इस टाइप से बहुत सारे आपका गुफा, बहुत सारा पहाड़, बहुत सारे झरना हमको देखने को मिलता है। तेलीन घाटी किन दो अपवाह तंत्र को अलग करती है। तेलीन घाटी मतलब कि केसकल घाटी वाला क्षेत्र है, उसी को तेलीन घाटी भी कहते हैं। केसकल घाटी में ही आपका तेलीन माता का मंदिर है वहाँ पर। तो तेलीन घाटी किन दो अपवाह तंत्र को अलग करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, नीचे में गोदावरी अपवाह तंत्र और ऊपर महानदी अपवाह तंत्र को यहाँ पर केसकल घाटी इस प्रकार से अलग करती है। ठीक है, केसकल घाटी में क्या है? तेलीन घाटी है, तो इसी प्रकार से ये तेलीन घाटी बोल रहे हैं। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ किस भौगोलिक किस भौतिक विभाग में अवस्थित है। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ किस भौतिक भाग में अवस्थित है, तो ये आपका दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है। गढ़िया पहाड़ देखा जाए तो कांकेर में है ना, कांकेर। मलाजकुंडम की पहाड़ी वगैरह भी हम लोग देखते हैं कांकेर में, तो ये गढ़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में है। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है पूरा बस्तर संभाग, मतलब कि आपका कांकेर वाला क्षेत्र भी आता है। ठीक, सत्य देखिए, असत्य कथन का हमको पहचान करना है। महानदी का कछारी भाग उच्च भाग स्थल पर है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? महानदी का कछारी भाग उच्च भाग स्थल पर है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। असत्य कथन चूज करना है ना हमको। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, ये भी सही है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कन से हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। ठीक, ये भी सही है। तो ये गलत है, मतलब कि हमको असत्य कथन चुनने के लिए बोला गया था। इसका सही आंसर हमको क्या लेना होगा? यही लेना होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों कथन हमारे लिए सत्य है। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है, पूछा जा रहा है। तो ये जो लाल पीली मिट्टी होती है वो ग्रेनाइट चट्टानों से विकसित होती है ना, ध्यान में रखेगा। जहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है वहीं पर लाल पीली मिट्टी भी पाई जाएंगी, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों के माध्यम से हमको ग्रेनाइट देखने को मिलता है। वर्तमान में हमको नीस और सीस्ट ग्रेनाइट के रूप में हमको अभी देखने को मिलता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वही आपका लाल पीली मिट्टी के रूप में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, 71 का क्वेश्चन हो चुका है। 72 देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में डोरसा कहते हैं, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किस मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुड़ किसे कहते हैं? कांप मिट्टी है, काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। कांप मिट्टी इसको कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कांप मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ को कांप मिलते हैं, लाल पीली मिट्टी डोरसा कहलाता, सॉरी क्या कहलाती है? अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, मटासी मिट्टी देखें। ठीक है, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी कहलाती है। लाल पीली और काली को मिला देंगे डोरसा बन जाएगा। ठीक है, लाल पीली और काली को मिलाएंगे क्या बनेगा? डोरसा बनेगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। लेटराइट मिट्टी हम लोग क्या जानते हैं? लेटराइट मिट्टी बागानी फसल इसमें उगाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से एल्युमिनियम फेरस की अधिकता होती है इसमें, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, घर बनाने के उपयोग होता है, घर बनाने के काम आता है। इसको हम लोग भाटा भी कहते हैं। ठीक है, मुरमी मिट्टी भी कहते हैं। चलो देखिए, 64 क्या है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में, यहाँ पर आंसर आपको समझ में आया ना, काली मिट्टी है ना इसका आंसर। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्या कहते हैं ना? तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको भर्री कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी क्या कहते हैं? भर्री के नाम से भी जानते हैं ना। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, भाटा कहते हैं लेटराइट मिट्टी को। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? ठीक, कन्हार मिट्टी मतलब कि वही आपका जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी किस तरह की चट्टान में पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैदान एवं घाटी क्षेत्र। ठीक है, उच्च एवं पठारी क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी प्राप्त होती है। कटे छटे तीव्र ढाल ये भी नहीं होगा, है ना, सामान्य ढाल या तरंगी क्षेत्र ये भी नहीं होगा। सही आंसर कौन है? मैदान एवं घाटी क्षेत्र। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक
सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको लेना है अल्फिसॉल। ठीक है, अल्फिसॉल्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम है क्या है? ठीक है, एंटीसॉल का क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है भाटा। ठीक है, ये क्या है? एंटीसॉल है। और यहाँ पर क्या था? अल्फिसॉल है। ठीक है, अल्फिसॉल हम लोग क्या देखते हैं? कृषि व्याप्त क्षेत्र कौन से प्रकार की मृदा है? तो अल्फिसॉल है। एक मिनट गया। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ मृदा का कम एंटीसॉल का स्थानीय नाम पूछा गया तो भाटा है। ठीक है, इसका सही आंसर 79। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम बोर है ना, पूर्व से पश्चिम, मतलब कि हमको इधर से इधर जाना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो बलरामपुर में हम लोग कुसमी देखते हैं, प्रतापपुर देखते हैं। ठीक है, प्रतापपुर कहाँ देखते हैं? चलो फिलहाल प्रतापपुर कहाँ देखते हैं, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग, बलरामपुर देखते हैं, सोनहर देखते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल गलत होगा। ठीक है, प्रतापपुर वाला, प्रतापपुर यहाँ नहीं है, मतलब प्रतापपुर आपका बलरामपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कुसमी है, बलरामपुर है, प्रतापपुर है, फिर ओड़गी है, फिर सोनहट है, फिर भरतपुर है। इसका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, अच्छा ये आपका कहाँ है? सूरजपुर में है। ठीक है, चलिए उसको आप लोग एक बार चेक करेंगे, बाकी फिलहाल इसका आंसर यही होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। 80 देखिए, रायपुर शहर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, रायपुर शहर के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आप लोग जिला दर्शन वाले वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा ना। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यूट्यूब में पूरा जिला दर्शन का प्लेलिस्ट डाला हुआ है। और कुछ जिले बचे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो मैं और जिला दर्शन को बनाना बंद कर दिया हूँ, बाकी और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अभी बना रहे हैं। तो रायपुर शहर के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर क्या है? 298.15 मीटर। छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, इसमें हमको चुनना है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये नहीं, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, नहीं है, ये गलत है। एक मिनट, हाँ अधिक, हाँ नहीं, ये गलत है। ठीक है, जबकि पूर्वी भाग अधिक आर्द्र है क्योंकि समुद्र किनारे पूर्वी भाग है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है। ठीक है, ये सही है। तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। 82 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कम वर्षा वाला क्षेत्र बोला जा रहा है ना, तो ये लोरमी का पठार है क्योंकि लोरमी के पठार के आसपास कवर्धा वाले क्षेत्र हो गया। कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, लोरमी के पठार, ये क्षेत्र में थोड़ा बारिश कम होती है। ठीक है, वर्षा कम होती है, लोरमी का पठार हो गया, कवर्धा हो गया, ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वर्षा पूछा जाएगा तो लोरमी का पठार है। 83 देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। ठीक है, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र बोला जा रहा है ना, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा हम लोग देखते हैं, लगभग 1300 से 1400 mm के आसपास वहाँ देखते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? ठीक है, ये कौन सा भाग है जहाँ पर तापांतर कम होता है? कौन सा भाग है जहाँ पर ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? तापांतर कम मतलब कि दंड कारण्य वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि हम समुद्र तल से दूरी हम बढ़ाते जाएंगे ना भारत में, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे भारत में, अगर हम यहाँ पर देखें छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के अगर हम समुद्र तल से दूरी अगर देखेंगे तो दंड कारण्य वाला थोड़ा पास में है, तो समुद्र तल से जितना पास में रहेंगे उतना ही तापांतर क्या होगा? कम होगा। तो तापांतर दंड कारण्य के पठार में कम है, यहाँ पर तापांतर ज़्यादा है।
मतलब कि तापांतर ज़्यादा है का मतलब क्या है? ज़्यादा है मतलब कि वहाँ पर दिन में ज़्यादा गर्मी रहेगा और रात में ज़्यादा ठंडी रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ कहेंगे तो यहाँ रात में ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगा और दिन में ज़्यादा ना तो गर्मी रहेगा, ना तो दिन में गर्मी रहेगा ना तो रात में ठंडी रहेगा, ऐसा टाइप है। इसी को कहते हैं तापांतर कम होना, ताप में अंतर कम होना। रेगिस्तान में सबसे अधिक तापांतर होता है, ठीक है, रात में बहुत ठंडी पड़ेगा और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ऐसा टाइप का होता है। 85 देखें, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? ठीक है, ये लू कहलाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है, कौन सा क्षेत्र स्थित है? जसपुर स्थित है। जसपुर में क्या है? तापमान कम होता है जसपुर वाले क्षेत्र में, है ना। इसका आंसर इसी के आधार पर लिया गया है, ठीक है। जसपुर है, बलरामपुर है, कोरबा है, चांपा है। चलिए 87 देखें, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? क्या बोल रहे हैं? उत्तर पूर्व भाग में, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्व भाग है इस वाले क्षेत्र में तापमान कम होता है, बोल रहे हैं ताप कम होता है। मतलब कि जो सरगुजा वाले क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में, अंबिकापुर वाले क्षेत्र, अंबिकापुर को हम लोग देखते हैं ना, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक ठंडा स्थान है, क्या है? अंबिकापुर। तो सबसे कम तापमान बोल रहे हैं अंबिकापुर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग है जहाँ पर निम्न ताप होता है, बोल रहे हैं मतलब कि तापमान वहाँ कम होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अक्षांश रेखा से दूरी, है ना, अक्षांश रेखा से दूरी एवं ऊंचाई। एक तो एक ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में भी स्थित है, और दूसरा चीज़ इस प्रकार से हम जो अक्षांश रेखा देखते हैं, इस अक्षांश रेखा से दूरी भी है। मतलब कि अक्षांश रेखा जैसे जैसे, मतलब कि अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा से दूरी कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अक्षांश रेखा जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा से दूरी बोलेंगे। मतलब कि अक्षांश रेखा जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 है, वैसे वैसे क्या होता है, तापमान का मान कम होता जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर ए होगा। 88 देखें, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है, बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? जयपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागरी शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। मैकल श्रेणी का पूर्व भाग वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। वर्षा ऋतु जून के मध्य सितंबर तक चलती है, ठीक है, वर्षा ऋतु जून के मध्य सितंबर तक चलती है, ठीक है, ये भी सही है। मतलब जून से, वर्षा ऋतु मध्य जून से, बोल रहे हैं ना, मध्य जून से सितंबर तक, वही जून के मध्य से लेकर के सितंबर तक चलती है, मध्य सितंबर तक, ठीक है, मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक चलती है, ठीक है, सही है, ये भी उपयुक्त सही कथन हमारा सही रहेगा। 89 देखिए, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय आप लोग बहुत बार देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल में भी देखेंगे, भारत के भूगोल में भी देखेंगे, ठीक है, दोनों जगह उष्णकटिबंधीय बहुत बार आता है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का हमको चयन करना है। कथन एक बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं, उत्तर पूर्वी की मानसूनी पवनें चलती हैं, ठीक है, सही ही है, जो कि आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक वर्षा कराती है, लौटता हुआ मानसून इसको कहते हैं ना, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता मानसून। अगला बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा कराती है। छत्तीसगढ़ में अरब सागरी शाखा से वर्षा नहीं होती है, मात्र 10% वर्षा होती है अरब सागरी शाखा से। इस प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इधर से जो मानसून हमको देखने को मिलती है ना, इस प्रकार से यहाँ पर हमको देखने को जो मानसून मिलती है इसमें से मात्र 10% वर्षा होती है, बाकी यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा प्रवेश कर जाती है। 90% जो वर्षा है हमारी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। इसका कथन एक सत्य होगा, कथन दो असत्य होगा। 91 देखिए, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, या फिर इसी को हम आद्र पर्णपाती भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार दिए है ना, ये सदाबहार नहीं है, मतलब सदाबहार हमारे छत्तीसगढ़ नहीं है, मतलब यहाँ पर हमको अगर ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती की जगह आद्र पर्णपाती भी दे देता तो वो भी सही रहता। इसका आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय। पृथ्वी में हम लोग देखते हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय वाला एक रीज़न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उष्णकटिबंधीय वाले रीज़न है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो उपोष्णकटिबंधीय आएगा, फिर शीतकटिबंधीय आएगा, इस प्रकार से ऊपर हम बढ़ते जाते हैं। ये रीज़न हमारा उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जो वन है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक मात्रा में।
बयान में देखें, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है, ठीक, किन हवाओं से वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 93 देखें, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला, नीलोत्पला बताया गया, ठीक है, नीलोत्पला किसमें बताया गया है, ये वायु पुराण में बताया गया नीलोत्पला। 94 देखिए, आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इन तीनों नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है, ये है खैरागढ़ में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। 95 देखिए, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, मांड नदी और महानदी के संगम पर चंद्रपुर स्थित है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। मांड नदी, लात नदी और महानदी, तीनों का संगम स्थल कहाँ, चंद्रपुर में है ना, मांड नदी, लात नदी और महानदी तीनों का। 96 देखिए, रायपुर, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी के, महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है, ये टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है, मतलब कि बांध जैसा वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, रायपुर में जल पूर्ति को बरकरार रखने के लिए। जोंक नदी का उद्गम इसे सोनबेरा का पठार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, गरियाबंद वाले क्षेत्र जहाँ पर उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आता है वहाँ पर सोनबेरा का पठार है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, ये सिरपुर में है, ध्यान में रखेंगे, गंधेश्वर महादेव का मंदिर सिरपुर में है, और किस नदी के किनारे पूछा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर महानदी के किनारे हैं सिरपुर। माडमसिल्ली बांध, माडमसिल्ली सिलियारी नदी पर स्थित है, ठीक है, माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से कि किस नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, किस नदी की सहायक नदी नहीं है बोल रहे हैं ना, किस नदी की सहायक नदी नहीं है, सॉरी, सहायक नदी है बोल रहे हैं ना, सहायक नदी है, पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है, तो सहायक नदी है बोल रहा है, तो ये महानदी की सहायक नदी है ना, जोंक नदी, सॉरी, ये सिलियारी नदी महानदी की सहायक नदी है, ध्यान में रखेंगे, महानदी की सहायक नदी क्या है, सिलियारी नदी है। सब देखें, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों के स्मारक हमको प्राप्त हुए हैं, ये पूछा जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर क्या है, सिरपुर है, ठीक है, सिरपुर पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के और मठों के स्मारक हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, छत्तीसगढ़ का जो हमारा 2020-21-22 से पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सबको कंप्लीट किया। छत्तीसगढ़ का ये टेस्ट सीरीज आप लोग, सॉरी, हॉस्टल वार्डन है ना, हॉस्टल वार्डन और CGPSC प्री का आप लोग टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ये 10 टेस्ट इसमें रहेंगे, 15 रहेंगे। टेस्ट का जो शेड्यूल है, मतलब कि डेट और टाइमिंग आपको व्हाट्सअप में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक टाइमिंग और डेट नहीं बना पाए हैं, अगले वीडियो में हो सके मैं आपको बता दूं कि कब इसका डेट, मतलब डेट और टाइमिंग जो शेड्यूल है इसका क्या क्या रहेगा, कैसा कैसा रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, इसको भी अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी 200 से 300 के बीच में यहाँ पर फीस हम लोग रख करके उसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। मे भी अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमको या तो रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जब तक कम है तब तक आप लोग चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ये हॉस्टल वार्डन और CGPSC प्री की टेस्ट सीरीज में, ठीक है। चलिए, बाकी अन्य जो भी क्लासेस वगैरह की भी जानकारी अगर प्राप्त करना है तो यही व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप लोग मैसेज करें या फिर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास में बस यही तक डिस्कस करते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे, धन्यवाद।